लगातार दूसरी बार हार के बावजूद भी मुंबई यूनियन की टीम और फैंस के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई यूनियन की टीम में अगले मैच के लिए खतरनाक गेंदबाज टीम में शामिल हो रहा है, तो वहीं मुंबई यूनियन की टीम में शामिल होने वाला है एबी डिविलियर्स का बाप। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई यूनियन के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2023 शुरू हो चुका है और आईपीएल का अब तक 13 मुकाबला खेले जा चुके हैं, तो इस बार आईपीएल के लगभग सभी टीमें अपने अपने खाते में दो दो पॉइंट शामिल कर ली है, लेकिन अभी तक मुंबई इंडियन टीम की खाता भी नहीं खुल पाया है और मुंबई इंडियन की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि मुंबई इंडियन अभी तक दो मैच खेले हैं और दोनों मैचों में लगातार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। पिछला मैच आरसीबी के खिलाफ हारे तो वहीं अपना दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार कर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियन के फैंस के लिए दो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है, जिसमें सबसे पहली खुशी की बात यह है कि मुंबई इंडियन की ओपनर आरसीबी के खिलाफ फ्लॉप जरूर रहे थे, लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका फॉर्म देखने को मिला, जिसमें रोहित शर्मा ने 13 गेंदों में 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और ईशान किशन ने 21 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली और ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। वहीं दूसरे सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगले मैच में रियली मिरडेथ टीम में शामिल हो रहे हैं और अगला मैच खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में रियली मिरडेथ को मुंबई इंडियन की टीम के साथ जुड़ने से गेंदबाजी पहले की अपेक्षा थोड़ी मजबूत हो जाएगी। और वहीं अगले मैच में आपको डेवाल ब्रेविस भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि छोटा एबी डिविलियर्स के नाम से जाने जाते हैं और काफी लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुंबई इंडियन अपना तीसरा मैच जीत पाएगी कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।